उमर गवाई विच मसीती, अंदर भरिया नाल पली थी। हुण क्यों करना है धाड़ो धाड़ इश्क दी नवीयों नवी बहार। नवियों नवी से आशय है, पूछते हैं कि आचार्य जी नयापन कहाँ से और कैसे आएगा जीवन में? इश्क से। पैशन मेरे जीवन में है नहीं, शायद इसीलिए पुरानापन है। मैं नए के लिए एडवेंचर ट्रिप्स करता हूँ और उससे भी ऊब जाता हूँ। धीरज का प्रश्न है। पुरानापन क्या है? पुराने से आशय आवश्यक नहीं, उससे हो जो समय में पूर्वानुभूत है। अतीत में जिससे तुम्हारी जान पहचान है, जिसका नाम पता जानते हो इत्यादि, उसी भर को पुराना नहीं कहते। आध्यात्मिक अर्थों में पुराने की जब भी बात हो और नए की जब भी महिमा गाई जाए, तो आशय समझिएगा, जो कुछ भी सुरक्षा दे वो पुराना, जो कुछ भी अहंकार को बचाए, कवच दे, वो पुराना। पुरानी न वस्तु है न व्यक्ति, पुरानी वो दृष्टि कहलाती है जो वस्तु का, व्यक्ति का अपनी सुरक्षा के लिए उपयोग करती है। और अपनी सुरक्षा के लिए तुम किसी का भी कैसा भी उपयोग कर सकते हो। डरा हुआ आदमी कुछ भी कर सकता है, उसकी प्राथमिकता, उसका प्रथम मूल्य अब अपने आप को बचाना है। सही गलत, नीति अनीति, शुभ अशुभ, इन पर अब वो मूल्य नहीं रखता। उसके लिए अब आवश्यक मात्र ये है कि वो अपने आप को बचाए, और अपने को बचाने के लिए वो कुछ भी करेगा। पुरानी सिर्फ वो वृत्ति है जो किसी तरीके से बचे रहना चाहती है, और बचने के लिए वो तमाम तरीके के उपद्रव करती है, प्रपंच करती है, खेल खेलती है, भीख मांगती है, धमकी देती है, झूठ बोलती है, प्रयत्न करती है, सब कुछ कर डालती है वो बचे रहने के लिए। बचे रहने में बुराई क्या है? बुराई कुछ नहीं, मूर्खता है बस।
और मूर्खता यह है कि बचे रहने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मिटना संभव नहीं है। जब हस्ती स्वभाव हो, जब होना अस्तित्वमान होना स्वभाव हो, अपरिहार्य हो, तो होने की कोशिश या होने को बचाने की कोशिश और होने को बचाने की कोशिश में किया गया श्रम मूर्खता के अलावा और क्या है? जो है ही तुम उसे करने की और लाने की कोशिश कर रहे हो, जो मिट नहीं सकता तुम उसे मिटने से बचाने की कोशिश कर रहे हो। इसे पाप कहना तो इस हरकत को व्यर्थ ही मूल्य दे देगा, महिमामंडित कर देगा। दो कौड़ी की बात है डरे रहना, व्याकुल आंखों से जगत को देखना और विचार करना कि मेरा क्या होगा, उसको गंभीरता से लेना, उसे गौरवान्वित करना है। इश्क दी नवियों नवी बहार, इश्क में तुम सुरक्षा का ख्याल छोड़ देते हो, अपनी सुरक्षा से बड़ा कुछ मिल गया है, कुछ ऐसा मिल गया है जिसे पाने के लिए मिटना पड़े तो बढ़िया, और कुछ ऐसा मिल गया है जो बिना मिटे पूरा साकार भी नहीं होता। अब सुरक्षा पीछे छूटी, कौन सोचे कि नुकसान होगा, फायदा होगा, बचेंगे कि नहीं बचेंगे, चोट तो नहीं लग जाएगी, कुछ छिन तो नहीं जाएगा। जहां तुम्हें अपनी सुरक्षा से ऊपर का कुछ मिल गया उसे कहते हैं इश्क। वो कुछ भी हो सकता है, निराकार भी हो सकता है, साकार भी हो सकता है, निर्गुण भी हो सकता है, सगुण भी हो सकता है। वो तुम्हारा ध्यान भी हो सकता है, वो तुम्हारे समक्ष कोई प्रतिमा भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। वो क्या है ये मुद्दे की बात नहीं है, तुम्हारी उसकी ओर दृष्टि क्या है ये मुद्दे की बात है। क्या वो इतना कीमती लगा तुम्हें कि तुम उसकी खातिर स्वयं के प्रति बेपरवाह हो जाओ? जो कुछ भी हो, काला सफेद, दृश्य अदृश्य, निकट दूर, जीवित मृत, जन्मा अजन्मा, चिंत्य अचिंत्य, जो तुम्हें तुम्हारी तरफ से बेखौफ कर दे, बेफिक्र कर दे, उसी से इश्क लग गया तुम्हें। जब तुम कहो हमारा जो होगा सो होगा, सोचता कौन है? कुछ और मिल गया है बहुत बड़ा और उसने ऐसा घेर लिया है हमें कि ख्यालों के लिए जगह नहीं बची। ये है नयापन। नयापन कोई नया विचार नहीं है, नयापन कोई नई धारणा नहीं है, नयापन है आत्मरक्षा की पुरानी, अति पुरानी वृत्ति से आजादी। और अगर अपनी सुरक्षा करनी है तो डरे तो रहोगे ना, पुराना माने डर। बात समझ में आ रही है? चीज को पुराना मत बोल देना। बहुत लोगों को चीजें पुरानी लगती हैं और वो नएपन के नाम पर चीजें बदल देते हैं।
घर पुराना हो गया, गुरुओं ने समझाया है कि नए में जियो, घर पुराना हो गया तो चलो नए घर में चले, रिश्ता पुराना हो गया, पति पुराना हो गया, प्रेमी पुराना हो गया, इश्क दी नवी नवी बहार, चलो नया रिश्ता बनाए, चलो नए कपड़े खरीद कर लाए, चलो ना कुछ नया करते हैं, पहाड़ पर चढ़ जाएं, नदी में कूद जाएं, कोई नई भाषा सीखें, कोई नया देश देखें, ये सब ठीक है, मनोरंजन है, आशिकी नहीं है। जैसा तुम्हारा जीवन चलता है उसमें ऊब का आधिक्य रहेगा ही रहेगा, जहां ऊब है वहां मनोरंजन की आवश्यकता है। तो ये सब तो मनोरंजन के नाम पर कर लो तो ठीक है, मनोरंजन के नाम पर भी जब करो तो याद रखना कि दिल बहलाने की जरूरत इसीलिए है क्योंकि दिल प्यासा है, नहीं तो किसको चाहिए कि मन को बहलाए, मन तृप्त ही हो तो क्यों मांगेगा मनोरंजन। मनोरंजन मन विगलन नहीं होता, मनोरंजन मन भंजन नहीं होता। इश्क वो जो मन की बहुत पुरानी धारा को तोड़ दे, मन की पुरानी धारा बस एक है, मेरा क्या होगा। और वो बड़ी अजीब बात है क्योंकि किसका क्या होगा इसका कोई निश्चित उत्तर मन के पास नहीं है। मन से पूछो जिसकी सुरक्षा के लिए तुम डर रहे हो, भाई उसका कुछ नाम पता बता दो, रूप रंग आकार बता दो, कहां से आया कहां को जाएगा कुछ तो बता दो, ये वो नहीं बता पाएगा। इस प्रश्न में मन की कोई उत्सुकता ही नहीं है, जैसे कोई पागल होकर के बेतुक प्रलाप करता हो, मुझे बचा लो मुझे बचा लो। जैसे आप में से कोई अपनी जगह बैठे बैठे कहे आग लगी है आग और बचाओ मुझे, कोई पूछे कहां है आग, तो इस प्रश्न में उसकी कोई रुचि ही ना हो, नहीं मैं ये सुनना ही नहीं चाहता कि आग है कि नहीं, ना मुझे ऐसी कोई जिज्ञासा करनी है, ना आग खोलनी है ना सलाह सुननी है, मुझे तो मतलब किससे है, अपने अंधे प्रलाप से। मैं बैठा बैठा चिल्लाऊंगा मैं खतरे में हूं मैं खतरे में हूं, न तुम बताओगे खतरा कहां है न तुम बताओगे खतरा किसे है। यह है मन की प्राचीन धारा, जिस दिन समय उत्पन्न हुआ था उसी दिन से उत्पत्त है ये धारा भी। व्यक्ति न पुराने होते हैं न नए होते हैं। जिस व्यक्ति के साथ तुम्हारा रिश्ता हो कि तू मेरी अहम भावना बचाए रख और मैं तेरी अहम भावना बचाए रखूं, वो व्यक्ति तुम्हारे लिए पुराना है। सुरक्षा, वो तुम्हें सुरक्षा दे रहा है ना और तुम उसे सुरक्षा दे रहे हो। जिसके पास जाते ही तुम वही हो जाते हो जो तुम्हारी वृत्तियां निर्देशित करती हैं, उसको पुराना जानना, बोले शाह उसको छोड़ने की बात कर रहे हैं। जिसके पास जाते ही तुम्हें पता हो कि तुम्हें क्या हो जाना है, उसको ही पुराना जानना, बोले शाह उसी से आगे जाने की बात कर रहे हैं। और जिसके सामने जाते ही तुम्हें पता ही ना लगता हो कि तुम कौन हो और क्या हो गए, वो नया है, वो सतत नया है, भले उसे तुम 20 साल से जानते हो। समय की बात नहीं है, दृष्टि की बात है, संबंध की बात है। बहुत पुराने हैं उपनिषद, उनके पास बैठोगे पुराना जो कुछ है वो टूटेगा। अब उपनिषदों को पुराना कहोगे
याभिनव, नवीन, बोलो हैं तो बहुत पुराने, लेकिन तुम में जो कुछ पुराना है उसे तोड़ डालते हैं। समय की दृष्टि से देखो तो प्राचीन है, और प्रयोग की दृष्टि से देखो, प्रभाव की दृष्टि से देखो, तत्व की दृष्टि से देखो तो अर्वाचीन है। दो तरह की राहत होती हैं, जिनके पास जाते हो गौर करना कि वो तुम्हें किस तरह की राहत देते हैं। एक राहत होती है कि बला टली, और एक राहत होती है कि जिसे बला थी वही टली। दोनों का अंतर समझना। जिन्हें तुम जानते ही हो वो भी तुम्हें राहत देते हैं। कैसे राहत देते हैं? कि तब तुम उनके पास जाते हो, तुम्हें पता होता है कि यहां पर मुझे वो मिल जाएगा जिसकी मैं उम्मीद लेकर आया। तुम किसी के पास गए और तुम्हें उम्मीद थी कि स्नेह मिलेगा, और स्नेह मिल गया तो बला टली। तुम स्नेह के लिए प्यासे थे। तुम किस प्रकार के स्नेह के लिए प्यासे थे? वो स्नेह जिससे तुम पूर्व परिचित हो, वैसा स्नेह जिसकी तुमने पहले ही परिभाषा कर रखी है। तुम्हें पता है प्रेमी आएगा, गले लगा लेगा, ये तुम्हारी स्नेह की परिभाषा है। तुम्हें पता है मित्र आएगा, तोहफा दे देगा, ये तुम्हारी मित्रता की परिभाषा है। तुम्हें पता है तुम चिंतित हो, कोई आएगा और सांत्वना के ढांढस के दो बोल बोल देगा, ये तुम्हारी राहत की परिभाषा है। जिसके साथ ऐसी राहत मिलती हो, जान लेना कि वो पुराने को ही बढ़ा रहा है। और एक दूसरी राहत होती है जहां डरने वाला विलीन हो जाता है। अंतर समझना। पहली राहत में पहले डर का विचार था, फिर सुरक्षा का, स्नेह का, सांत्वना का विचार आ गया, और दूसरी राहत में विचारक ही सो गया। कोई बच्चा डरा हुआ है, माँ के पास जाता है, बोलता है वहां पर्दे के पीछे भूत है। एक राहत यह है कि माँ ने कहा मैं जाती हूं पर्दे के पीछे और भूत को मार के भगा दूंगी। वो पर्दे के पीछे गई, उसने भूत को मारा, पर्दे की इस तरफ आवाजें आई, भूत की पिटाई हो रही है, और फिर माँ निकल के आई, बोली भूत भगा दिया, पिटाई करी, अब लौट के नहीं आएगा। बच्चे को राहत मिली। इस राहत में जानते हो क्या हुआ है? वो बचा रह गया जो डरा हुआ था। न सिर्फ वो बचा रह गया बल्कि सुदृढ़ हो गया। उसकी धारणा थी कि भूत है, और मां ने प्रमाणित कर दिया कि भूत था। भूत नहीं था तो पिटाई किसकी की? ये पहली तरह की राहत है। और दूसरी तरह की राहत है कि मां ने बच्चे की उंगली पकड़ी, बोली आओ, पर्दा है और अंधेरा है, हम पर्दा हटाएंगे, प्रकाश करेंगे, अब बताना कहां है भूत। और भूत था नहीं, वो ही चला गया जो डर रहा था। समझ रहे हो बात को? ये जो पहले तरह की राहत है, इसमें डर बाकी रह गया, डर का विषय मात्र स्थगित कर दिया गया। वो डरेगा, पुनः डरेगा, किसी और से डरेगा, किसी अन्य अवसर पर डरेगा। हुँ?
तुम्हारे जीवन में भी जो पुराना है वो शेष इसीलिए रह जाता है क्योंकि तुम्हें अपने जीवन के डरों से, दैत्यों से बस तात्कालिक राहत चाहिए, पूर्ण मुक्ति नहीं। तुम सस्ते में राजी हो जाते हो। और जैसे कुछ रस सा बांध लिया है राहत पाने में, और फिर पुनः आतुर, व्याकुल, चिंतित हो जाने में। इसके पीछे भी बात है। चिंतित नहीं होगे यदि तो राहत कैसे मिलेगी? और राहत अच्छी लगती है ना। राहत का अगर अनुभव करना है तो पहले चिंतित होना पड़ेगा। इसीलिए तुम कभी पूरी राहत आने ही नहीं देते। तुम वो स्थिति कभी आने ही नहीं देते कि आज के बाद राहत की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ऐसी राहत मिल गई। तुम कहते हो आंशिक दे दो, थोड़ी सी दे दो, इतनी सी ही दे दो। कोई पूरी देता हो तो वो तुम्हारा बड़ा दुश्मन हो जाएगा। कोई भूत तुम्हें डराता हो और कोई आए और कहे भूत इत्यादि मात्र भ्रम है, तो जितना बड़ा दुश्मन तुम्हारे लिए भूत था उससे ज्यादा बड़ा दुश्मन तुम्हारे लिए वो हो जाएगा जो तुम्हारी जिंदगी के भूतों को हटाता हो। तुम कहोगे भूत को झेल लेंगे, तुझे नहीं झेलेंगे। मैंने भूत को भगाने को कहा था, तू तो सारे भूतों को मार ही देता है। तुझे पता है सारे भूत मर गए तो उनके साथ मैं भी मर जाऊंगा। भूत दर भूत झेल लोगे, सत्य नहीं झेलोगे। राहत अच्छी लगती है। ये बड़ा घिनौना रस है, जैसे किसी को अपने घाव को नोचने में रस आता हो। होता है ऐसा, लोगों को खुजली इत्यादि बीमारियां होती हैं, वो खुजला रहे हैं, उन्हें पता भी नहीं कि उनके नाखूनों से उन्हीं की मांस उधड़ गई है, पर रस तब भी आ रहा है। छिल गए हैं, कट गए हैं, खून आने लगा है, पर रस आ रहा है। हमारी ऐसी ही हालत है। देखा है लोगों को अपने नाखून कुतरते हुए, दांतों से दांत भी खराब हो रहे हैं, नाखून भी खराब हो रहे हैं, और वो नाखून के साथ साथ नाखूनों के अगल बगल का मांस भी नोच रहे हैं। रस आ रहा है। हम हजार तरीके के ऐसे काम करते हैं जो हमें बर्बाद कर रहे हैं, रस तो आ रहा है ना। इश्क में और असुरक्षा में बड़ा संबंध है। जहां असुरक्षा है वहीं इश्क की मांग है। जहां असुरक्षा है वहीं से इश्क बड़ा चमकीला और आकर्षक लगता है। जहां सुरक्षा है वहीं से इश्क को बड़ा सजाया जाता है। दूर किसी पर्वत की चोटी का सितारा बना दिया जाता है, कुछ ऐसा बना दिया जाता है जो लुभावना तो बहुत है पर दुष्प्राप्य है। बहुत सुंदर, बहुत मीठा, बहुत ऊंचा, बड़ा मूल्यवान, पर मुझे मिलेगा नहीं। यही भावना होती है ना इश्क को लेकर के। देखा है कितना रस आता है जब गजलें पढ़ते हो हार की, इश्क की विफलता की। कितने ही गीत हैं जो इसी विषय पर लिखे गए हैं, और वो कितने भाते हैं कि हमारा प्यार अधूरा रह गया।
हमारी चाहत को जवाब न मिला, हमारे स्नेह को प्रतिफल न मिला, हमारी वफा को वफा न मिली। सुने, ये तुम कुछ नहीं कर रहे, वो जो सहज ही उपलब्ध है उसे तुम ऊपर कहीं चोटी पर स्थापित किए दे रहे हो और नीचे से बैठे उसे ताकते हो और फिर रोते हो और बीमार गीत लिखते हो। भाई रुग्णता है इस शेरो शायरी में। जो सिर्फ जीवन की निस्सारता, विफलता, और तुम्हारी अश्रद्धा और कायरता की बात करती है। खूब बिकती है, उसका बिकना ही बताता है कि हमें पाना नहीं है, हमें बस गाना है। जहां पूर्ण सुरक्षा है वहां न पूर्ण सुरक्षा का भाव है न इश्क को लेकर के बड़े अफसाने हैं, वहां फिर जीवन ही इश्क है। वहां सांस सांस में गीत है, वहां तुम प्रतीक्षा नहीं करते कि कब कागज मिलेगा और कलम से गीत लिखूंगा। कागज मिल गया, कलम से लिख दिया, बढ़िया बात, तुम बुल्ले शाह हो गए। पर सब में नहीं होता कवित्व, सबकी अभिव्यक्ति नहीं होती काव्यात्मक। कर्मों से भी कविता होती है, होने भर से कविता होती है। आंख के इशारे में कविता होती है, हर लफ्ज में कविता होती है। व्यर्थ दूरी मत बनाओ, इश्क पुराना तो नहीं है, वास्तव में नया भी नहीं है। वो तुम्हारी स्वाभाविक अवस्था है, इतनी स्वाभाविक कि वो अवस्था भी नहीं है। इश्क किसी दूरी का नाम नहीं है, इश्क किसी के गीत गाने का नाम नहीं है। इश्क का अर्थ है कि तुमने जो भी गीत गाया वो उसी का होगा, भले उसका नाम लो चाहे ना लो। इश्क ये है कि तुमने गीत नहीं भी गाया तो भी गीत गाया और उसी का गीत गाया। जो डरा है वो पर्दा नहीं हटाएगा, और पर्दे के पार जो है उसी को नयापन भी कहते हैं, उसी को साहस भी कहते हैं, उसी को सहजता भी कहते हैं, और उसी को सत्य भी कहते हैं। जो डरा है वो तो पर्दे के इसी पार रहेगा, वो कहेगा ना ना ना, पर्दों के भीतर सब ज्ञात है, यहीं रहने दो, ये पुरानापन है। पर्दा हटाओ, पता नहीं क्या है उधर, पता नहीं कुछ है भी कि नहीं, पर इतना तो पक्का है कि पर्दा हटाने से तुम अपनी कायरता से मुक्त हो जाओगे।
कोई सुंदर प्रेमी, कोई दृश्यातीत परमात्मा, कौन जाने है नहीं। तुम तो परेशान हो अपनी कमजोरी से ना, पर्दा हटाओ, कम से कम अपनी कमजोरी को फतह कर लोगे। इश्क का अर्थ ही यही है, मुझे कमजोरी, बंधन, सीमाएं नहीं पसंद। जो लोग सकारात्मक रूप से गाना चाहते हैं वो इसे कहते हैं, मुझे परमात्मा है पसंद, मुझे सत्य है पसंद। मैं कहता हूं तुम छोड़ो परमात्मा की और सत्य की बात, उससे तो वैसे भी तुम्हें कोई लेना देना है नहीं, कम से कम चैतन्य रूप से क्या लेना देना है। तुम तो उसकी बात करो जिसका अनुभव तुम्हें दिन रात हो रहा है। तुम ये तो कहते नहीं ना कि तुम्हें परमात्मा का अनुभव हो रहा है, तो मैं तुम्हारी ही बात मान लेता हूं। यद्यपि हर अनुभव है परमात्मा का ही, पर मैं तुम्हारी ही मान लेता हूं। तुम तो यही कहते हो कि तुम्हें कमजोरी का अनुभव है, बेचैनी का अनुभव है, तकरार का अनुभव है, द्वंद्व का अनुभव है, तनाव का अनुभव है। ये सब अनुभव तो होते हैं हमेशा, डर, लालच, दुविधा। तो इश्क है इन अनुभवों से मुक्ति पाने की छटपटाहट, मात्र भीतर बेकरारी है, तकरार है, करार चाहिए, ये इश्क है। और करार है क्या वो हम जानते नहीं, तो ये कहना भी बहुत उचित नहीं है कि करार चाहिए। बस ये कहना ठीक होगा कि बेकरारी से राहत चाहिए। तुम कहो करार चाहिए, करार चाहिए, तो मैं कहूंगा क्या चाहिए, साफ बताओ तो दें। वो तुम बता नहीं पाओगे क्योंकि उसका तुम्हें कुछ पता नहीं। तो मेरे लेखे तो इश्क बस अपनी हस्ती से, अपने होने से, अपने घेरे से छूटने की, निकल भागने की छटपटाहट है। वही नया होगा क्योंकि घेरे के भीतर जो कुछ है बहुत पुराना है। हम सब अपने आप से ही तो उबे हुए हैं, आईने में जब भी देखते हो वही चेहरा दिखाई देता है, उसको बोलते हो मैं। वो तुम्हें बहुत पसंद होता तो उसे सजाते क्यों? कोई जाके आसमान पे टीका तिलक करता है क्या? कोई जाके बरगद के पेड़ को पजामा पहनाए तो क्या बोलोगे उसे? तुम तो ये नहीं ठीक है, वो नहीं ठीक है। स्वयं में 50 तरह के बदलाव करने हैं, तरक्की करनी है, संशोधन करने हैं। आज ये हूं, कल वो बन जाऊं, ये मुकाम ठीक नहीं है, अगला पायदान चाहिए। अभी बात बनी नहीं, जीवन में बहुत कुछ हासिल करना है। ये सब क्या बताता है कि अपने ही घेरे से तुम संतुष्ट तो नहीं हो? यही घेरा पुराना है। गलती ये कर देते हो कि तुम इस घेरे के भीतर भीतर कुछ सतही बदलाव करके वो पा लेना चाहते हो जो मात्र घेरे के बाहर है। तुम्हारी हालत ऐसी है कि जैसे आसमान पाने के लिए कोई धरती खोदे, वो वहां है नहीं। घेरे के भीतर तुम कितना भी प्रयत्न कर लो, और तुम्हारे प्रयत्नों का कभी कभी तो
आदर करने का मन करता है क्योंकि मेहनत बहुत करते हो। एक आम आदमी जीवन भर मेहनत ही करे जाता है, पर कहाँ मेहनत कर रहा है? पत्थर से पानी निकालेगा? ऐसा होगा नहीं। मेहनत लेकिन बहुत करी है उसने। उसकी मेहनत देख करके ही तो बोलता हूं, नहीं तो बोलने का कोई कारण नहीं। तुम इतनी मेहनत करते हो, इतनी मेहनत करते हो कि मुझे मजबूर होकर तुमसे बात करनी पड़ती है। सुबह से शाम तक चक्की में ही तो पिस रहे हो, कर ही जा रहे हो मेहनत। इन्होंने क्या मेहनत करी होगी जो मेहनत तुम करते हो? ये भले वियोग की पीड़ा के गीत गाएं, पर जो संताप तुम झेल रहे हो वो किसी कृष्ण, किसी कबीर, किसी अष्टावक्र ने नहीं झेली। जिस दिनचर्या को तुम रोज झेलते हो उसको झेलने से पहले तो संत कहेगा कि मुझे तुम मुक्ति ही दे दो, जा रहा हूं। ये लो तमंचा, अभी गोली मार दो, मर जाएंगे। लेकिन वो जिंदगी नहीं जी सकते हो तुम जीते हो। सुबह 6 से रात के 10 तक तुम जो कुछ करते हो वो सिर्फ तुम कर सकते हो। इतना झेल कैसे लेते हो? सब कुछ झेल रहे हो लेकिन घेरे के भीतर इतनी हिम्मत नहीं दिखा रहे कि कम झेलो और बाहर आ जाओ। जैसे कोई जानवर इतना डर गया हो कि पिंजड़े के भीतर मार खाने को भी तैयार हो और भूखा रहने को भी, पर हिम्मत करके पिंजरे से बाहर न कूद पाता हो। बहुत पुराना पिंजड़ा है और कूदना बहुत आसान।